हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख, और आज हम आपको मुंबई के माहिम में मखदूम शाह बाबा की दरगाह की ज़ियारत करवाएंगे, और उर्स में मुंबई पुलिस पहली सलामी क्यों देती है वो भी आपको बताएंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को बिना कट किए पूरी देखें, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मखदूम शाह बाबा उर्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें। بسم الله الرحمن الرحيم धूमधाम से शुरू हुआ मखदूम शाह बाबा का उर्स। माहिम पुलिस ने दरगाह पर चढ़ाया संदल और दी पहली सलामी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लोग ढोल ताशे नगाड़े की धुन पर थिरक रहे हैं, ये सभी पुलिस अधिकारी हैं। ये पुलिस अधिकारी मखदूम शाह बाबा से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, और पहली सलामी पहली चादर मखदूम शाह बाबा के मज़ार पर पेश करते हैं। दुनिया भर में माहिम का हज़रत मखदूम शाह बाबा की दरगाह मशहूर है। उनके मज़ार पर लोग दुआएं मांगने आते हैं। यहाँ पर जिसने भी दुआएं मांगी उसकी अल्लाह के करम से मन की मुराद पूरी होती है। जायरीनों के अनुसार पलकों पर मज़ार शरीफ की चादर लगाने से दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि बाबा ने शरीर के सभी दुख दूर कर दिया है। लोग अकीदत के फूल चढ़ाकर मुरादों की झोलियाँ भर कर जाते हैं। मज़ार शरीफ पर आने से पहले मन में जो भी मन्नतें मांगने का इरादा था सब भूल गया। कहते हैं खुदा सबका ख्याल रखता है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। ऐसे में मखदूम शाह बाबा से क्या मांगना, वे तो अपने दरबार में आने वाले लोगों के दिल की बात जान लेते हैं। बिना मांगे वो मन की मुराद को पूरी कर देते हैं। इस दरगाह पर हर कौम के लोग आते हैं। यहाँ पर आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर सभी जात पात और सभी मज़हब के लोग, इस दरगाह पर कौमी एकता का प्रतीक है। दरगाह पर सभी धर्म के लोगों का लगाव बराबर है। दरगाह पर पुलिस वालों की खास मोहब्बत है। माहिम दरगाह पर हर साल 10 दिन का मेला लगता है। इसमें देश भर से जायरीन आते हैं। माहिम दरगाह पर पुलिस वालों की खास मोहब्बत है। यही वजह है कि मेले में सबसे पहले मुंबई पुलिस दरगाह पर चादर चढ़ाती है। इसके पीछे कई वजह बताते हैं। जायरीनों के अनुसार जब पहले समुद्री रास्ते से कोई जहाज़ आती थी, उसे कहकर बाबा पुलिस को बता देते थे कि कौन से जहाज़ में माल है और किस में नहीं है। बाद में अंग्रेजी शासन काल में पुलिस कर्मी किसी मुजरिम को नहीं पकड़ पाए तो वे बाबा से उसे पकड़वाने की मन्नत मांग बैठे, और वो पूरी हो गई। तब से पुलिस वाले माहिम के बाबा मखदूम शाह बाबा को अपना मददगार मानते हैं। दरगाह की देखभाल के लिए पीर मखदूम साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, जिसके चेयरपर्सन मोहम्मद फारूक सुलेमान दरवेश और मोहम्मद सोहेल याकूब खंडवानी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्ट शिक्षा चिकित्सा आदि में कार्य कर रही है। उर्स के मौके पर मैनेजिंग ट्रस्टी मोहम्मद सोहेल खंडवानी ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आज मखदूम शाह बाबा का मेले का आगाज हुआ है। ये 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मेला रहेगा। मैं सारी आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको दावत भी देता हूँ कि मखदूम शाह बाबा की वहाँ हाजिरी करे और उनकी ब्लेसिंग्स ले। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही अदब से आए, अदब का एहतराम का जगह है, बहुत ही एहतराम से आए, और जो भी लॉ में फ्रेम में है और शरीयत में है उसके हिसाब से चले। लॉ को अपने हाथ में नहीं लेवे। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है दरगाह मैनेजमेंट से रब्ता रखे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम सब मिलके कि दरगाह का मेला जो है वो एक स्मूथली हैंडल हो। थैंक यू।